दोस्तों यूं तो भगवान कृष्ण के सखा उद्धव ब्रह्म वेत्ता और महाज्ञानी थे, किंतु फिर भी वे लीलाधर की बहुत सी लीलाओं के रहस्यों को अब तक नहीं समझ पाए थे। और ऐसे ही एक दिन जब केशव का भूलोक पर कार्य लगभग समाप्त हो गया और वे सदा सदा के लिए गोलोक जाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अपने मित्र उद्धव से कहा, उद्धव इस अवतार काल में मैंने सभी को कुछ न कुछ दिया, किंतु एकमात्र तुम ही ऐसे हो जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस सदा ही निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते रहे, कभी सखा तो कभी सारथी बनकर। अरे अब तो कुछ मांगो, क्या तुम मुझे अपना ऋणी बनाना चाहते हो? लेकिन दोस्तों माधव के इतना अनुनय विनय करने पर भी वितराग उद्धव ने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो बस केशव से उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो कहीं ना कहीं उनके मन में मुरलीधर की शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने कहा, लीलाधर मैं द्यूत कीड़ा के घटनाक्रम की अनेक बातें आज तक नहीं समझ पाया हूँ। आपके उपदेश अलग किंतु आपका व्यक्तिगत जीवन उन सबसे पूर्णता भिन्न रहा, बस यही सब कुछ मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों उद्धव ने जो कुछ माधव से पूछा वो वाकई में हैरान करने वाला था। उसे आज हम उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको वही सब कुछ बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर निश्चित ही आपको ईश्वर की सच्ची अनुभूति हो जाएगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। उद्धव ने कहा, वासुदेव सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? वे बोले, सच्चा मित्र वो है जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की मदद करे। उद्धव ने कहा, भगवान हम सभी जानते हैं कि आप पांडवों के आत्मीय मित्र हैं, लेकिन आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? और यदि किया होता तो उस दिन आपने धर्मराज को जुआ खेलने से अवश्य ही रोका होता। चलिए मान लेते हैं ना रोका तो ना सही, लेकिन कम से कम आप धर्मराज को जिता तो सकते थे। आप चाहते तो पल भर में भाग्य के पासे धर्मराज के पक्ष में मोड़ उनके धन वैभव व मान सम्मान की रक्षा कर सकते थे, लेकिन हम सब ने देखा आपने समय रहते इस सब के लिए कोई यथोचित प्रबंध नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और तो और जब दुर्योधन ने पांडवों को अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ लौटाने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। बताइए क्या आपके लिए अपनी दिव्य शक्तियों से उन पासों को धर्मराज के लिए अनुकूल करना कोई बड़ी बात थी? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आपने उनकी सहायता नहीं की, सहायता तो की, लेकिन वो भी कब, जब द्रौपदी इतनी अधिक अपमानित हो चुकी थी। तब कहते हैं आपने वस्त्र देकर द्रौपदी का शील बचाया, किंतु वो भी तब जब इतने सारे लोगों के सामने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। क्या वास्तव में इसे शील बचाना कहते हैं? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आखिर कोई कैसे आपको आपदा बांधव कह सकता है? क्या यही धर्म है? क्या यही सच्चे मित्र की परिभाषा है? और इस प्रकार से दोस्तों इन प्रश्नों को पूछते समय उद्धव का गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे। यदि देखा जाए तो ये प्रश्न अकेले उद्धव के नहीं अपितु महाभारत पढ़ते समय हम सभी के मन में भी उठते हैं। निष्कर्ष था उद्धव ने हमारे लिए ही तो प्रश्न पूछे थे। हमेशा की तरह इस बार भी गोविंद अपनी निश्चल मुस्कान के साथ बोले, प्रिय उद्धव ये सृष्टि का नियम है, हमेशा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था जबकि धर्मराज के पास नहीं, और यही धर्मराज की पराजय का मुख्य कारण भी रहा। अब रही बात दुर्योधन की तो सुनो, उसके पास जुआ खेलने के लिए धन और सामर्थ्य तो बहुत था, किंतु हाँ उसे पासों का ज्ञान नहीं था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत कीड़ा के लिए उपयोग किया जो कि सर्वथा उचित भी था। मैं इसे विवेक कहूँगा मित्र। यदि धर्मराज चाहते तो वे भी इसी प्रकार से सोच सकते थे, वे चाहते तो स्वयं की ओर से मुझे प्रस्तुत करते, फिर मैं उनकी इस पेशकश को सहर्ष ही स्वीकार करता और उनकी ओर से पासों का ये खेल खेलता। अब तनिक विचार करो उद्धव,
यदि मैं और शकुनी खेलते तो हम में से कौन जीतता? पांसे उसकी बात सुनते या मेरी? उनके अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे शामिल नहीं किया तो ना सही, ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए। तुम्हें पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे लोग जुआ खेल रहे हैं। और इस प्रकार से उद्धव, मैं उनकी प्रार्थना से बंध गया था। मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति ही नहीं थी। इस सब के बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा कि कभी तो उन्हें मेरी याद आएगी। मैं सोचता रहा कि उनमें से कोई तो मुझे बुलाएगा। धर्मराज तो ठीक, अभी तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तक मुझे भूल गए। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ उसे सभा कक्ष में लाया, तब तक वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, किंतु उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। और देखो, जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़ हरी हरी अभ्यम कृष्णम अभ्यम की गुहार लगाई, तब कहीं जाकर मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। और जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं अविलंब वहाँ पहुँचा। तत्क्षण ही मैंने उसकी सहायता की। अब तुम ही बताओ उद्धव, ऐसी विकट परिस्थिति में मैं क्या कर सकता था? इस सब में मेरी क्या गलती थी? लेकिन दोस्तों, इतने पर भी उद्धव कहाँ मानने वाले थे। संभवतः आज वे अपने प्रभु की परीक्षा लेने बैठ गए थे। उन्होंने कहा, कान्हा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या आप बिना बुलाए नहीं आ सकते? देवकी नंदन बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फलों के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल साक्षी हूँ। तदेव तुम्हारे नजदीक रहकर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे देखता रहता हूँ, और यही एक ईश्वर का धर्म भी है। वाह प्रभु वाह! तो इसका अर्थ यह है कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमेशा हमारे दुष्कर्मों को देखते रहेंगे। हम भले ही पाप पर पाप करते रहें, परंतु आप हमें देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और सदैव पापों के फल भोगते रहें? उन्होंने कहा, उद्धव, तुम शब्दों के अर्थ को गहराई से समझो। जब तुम सही से समझकर यह अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी रूप में हर पल तुम्हारे पास हूँ, तो क्या तब भी तुम कोई पाप कर सकोगे? या तुम्हें लगता है कि तब भी तुम कुछ गलत या अनैतिक कर सकोगे? नहीं, निश्चित रूप से तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम्हें पता है, जब तुम कोई भूल करते हो तब तुम ये भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और इस अभिमान में आ जाते हो कि तुम मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो। बस तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। यदि धर्मराज की बात करें तो उनकी अज्ञानता यही थी कि वे मन ही मन ये मान बैठे थे कि वे मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकते हैं। अगर उन्होंने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हूँ और हर घड़ी साक्षी रूप में वहाँ पर उपस्थित हूँ, तो आज उस खेल का परिणाम कुछ और ही होता। और इस प्रकार से दोस्तों, केशव के मुख से ऐसे वचन सुनकर उद्धव मंत्र मुग्ध हो गए। वे बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, यह सत्य कितना महान है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना और विश्वास है, किंतु जब हम ये विश्वास करना शुरू कर दें कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमें उसके साक्षी रूप में उपस्थित होने का आभास होने लगता है। बस भूल तो केवल तभी होती है जब हम इस बात को भूलकर सांसारिक माया में उलझ जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, केशव ने उद्धव की जिज्ञासा को शांत किया। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार।